हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिलो सॉन्ग वन व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। और आज के व्लॉग में मैं दिखाऊंगी आपको मसाला डोसा घर पे कैसे बनाए हम। और बाजार वाले से अच्छा ही बनता है, कुछ घर पे साफ सफाई से अच्छे से बनाते हैं हम। घर पे बनी हुई चीज़ की तो बात ही कुछ अलग है। और उसके लिए मैंने कुछ तैयारी करके रख ली थी। आलू वालू पहले ही उबाल के मैंने छील के रख लिए थे, अभी बना रही हूँ मैं डोसे का मसाला। उसके लिए मैंने पैन में थोड़ा सा तेल गरम करके उसमें जीरा और राई का तड़का डाल दिया था, और उसमें डाले मैंने प्याज। प्याज डालने के बाद उसको थोड़ा फ्राई होने देंगे। और उसके बाद उसमें डालेंगे हम लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। ट्राई करना फ्रेंड्स और बताना मुझे कैसा बना। उसके बाद उसमें डाल दिया मैंने टमाटर, और उसे भी हम अच्छे से थोड़ा पकने देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हम सूखे मसाले। घर पे कोई चीज़ बनाते हैं तो हम अच्छे से साफ सफाई से बनाते हैं, बाज़ार में कौन कैसे हाथों से क्या क्या बनाता है हम नहीं देखते फ्रेंड्स उनको, इसलिए अपनी आंखों के सामने ही बनाना चाहिए और खिलाना चाहिए बच्चों को। इसमें थोड़ा सूखा मसाले मैंने डाल दिए हैं, जिसमें लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डाला है। और ये साथ के साथ मैंने चटनी मूंगफली और हरे धनिए की बना के रख ली थी। और ये है डोसे के लिए बैटर, ये पहले दिन ही बना के रखना पड़ता है ताकि फर्मेंट हो जाए। इसको टाइम लगता है फर्मेंट होने में, गर्मियों में तो जल्दी हो जाता है लेकिन सर्दियों में थोड़ा टाइम लगता है। और ये आलू बॉयल करके मैंने मैश करके रख लिए थे, अभी ये डाल के मिक्स कर देंगे मसाले में अच्छे से। और ये मसाले डोसे का मसाला हमारा तकरीबन बन के रेडी हो चुका है। इसमें ऊपर से डाल दिया मैंने नमक, नमक पहले नहीं डाला था बाद में डाल दिया है। और अभी इसमें डाल लेंगे हम थोड़ा पानी, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही डाल है ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। और आलू में सभी मसालों का टेस्ट अच्छे से आए। और इसके बाद डाल लेंगे इसमें थोड़ा किचन किंग मसाला, इसका भी टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। और गैस को थोड़ा सिम पे कर लेंगे फ्रेंड्स। और ऊपर से डाल दिया मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया। मसाला हमारा बन के हो गया रेडी, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, और वास्तव में टेस्टी बने थे। और ये साथ के साथ लगा दूंगी मैं थोड़ा सा चटनी में तड़का, राई का तड़का इसमें मैंने लगा दिया। करी पत्ता भी इसमें डलता है फ्रेंड्स, लेकिन इधर मेरे पास नहीं था तो वैसे ही लगा दिया है। और अब बनाने लगे हम ये डोसे। पहला डोसा हमारा बन गया है, एक दो बनाते हैं तब तक ऐसे ही बनते हैं फ्रेंड, थोड़े फटे फटे दिखते हैं लेकिन खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं। और ये खुद ही मैं वीडियो बना रही थी, खुद ही डोसा, तो इसलिए भी थोड़ा सा कैमरा भी हिल रहा है और डोसे की तरफ भी मेरा ध्यान कम जा रहा है, लेकिन टेस्टी बहुत बने थे, बाज़ार वाले से ज़्यादा टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। एक बार ट्राई ज़रूर करना आप लोग भी, और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश किया करो प्लीज़।
पहला डोसा हमारा बन के हो गया था रेडी। और दूसरा और एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं था, एक हाथ में फोन लेके और फिर दूसरे हाथ से बढ़ा रही हूँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा हिल रहा है फोन, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा वीडियो नई नई बनाना स्टार्ट किया इसलिए भाई थोड़ा इग्नोर करें। और ये मेरी अर्षिता इधर खाने लग गई थी, उसको मैंने दे दिया था डाल के। इधर थोड़ी लाइट ऑन नहीं है, साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और ये फिर आ गए हम अपने किचन में, और दूसरा डोसा अभी आपको दिखाऊंगी मैं बना के। ये बन के हमारा रेडी हो गया, इसमें डाल देंगे हम मसाला। और सांभर मैंने बनाया नहीं था क्योंकि बच्चे चटनी के साथ ही से ज़्यादा खुश होके खाते हैं, सांभर ज़्यादा नहीं खाते हो, इसलिए चटनी और मसाला डोसा अच्छे लगे थे, वही बनाया था। ये दूसरा डोसा हमारा बन गया भाई। और ये लगा दी थी मैंने अर्शी के पापा के प्लेट, ये मैं आपको दिखा रही थी कैसा लग रहा है। और उनको भी फिर मैंने गरम गरम दे दिए थे, सभी लोग साथ में खाते हैं, गरम गरम बनते बनते तभी अच्छा लगता है, बनाने वाले को भी और खाने वाले को भी। उसके बाद फ्रेंड्स ये बचे हुए डोसे भी मैंने बना के सब रेडी कर लिए थे। और एक दो ही ख़राब होते हैं, बाद में ये अच्छे बनने लग जाते हैं। देखिए बिल्कुल क्रिस्पी बना था ये। और उसके बाद लगा ली थी मैंने अपनी प्लेट, और आज ही फ्रेंड्स आप लोग भी खा लिए, खा लीजिए गरम गरम। और वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, खा लीजिए फ्रेंड्स।